ये देखो हकर। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो आ चुके अपन एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज है रैंक पुश का नवा दिन। तो देखो डेली के डेली रैंक पुश चल रहा है, तो आज हम लोग कूदे थे सीधा टेंपल के ऊपर। ये हमारा पहला मेरे साथ पूरे दिन का, मैंने देखा चलो भाई कूदते ही बंदे बंदे बजाएंगे। जैसे अंदर की तरफ आता हूँ, दो गन पड़ी हुई थी, एक गन प्रिंस भाई उठा लेते हैं, मतलब दोनों गन, और एक गन जैसे ही छोड़ते हैं, जब तक मैं यहाँ पे नॉकआउट हो गया था, उसके बाद यहाँ पे प्रिंस भाई भी तुरंत ही फिनिश हो जाते हैं। क्योंकि यार देखो पहला मैच था, और पहला मैच में हम दोनों भाई शुरू में ही निपट गए। यहाँ पे हमारे को कूदना नहीं था, लेकिन हमने देखा चलो भाई फर्स्ट टाइम में कूद जाते, थोड़े से किल विल निकालेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिकॉल होके आते हैं, और शेल्टर में थोड़ा सा हम लोग होल्ड करते रहते हैं। लेकिन पता है इस मैच में एक हैकर आ गए यार, जिसने हमारा पूरा मैच खराब कर दिया। यहाँ पे गाड़ी में मैं कुछ भर रहा था एमओ, तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं रहता कोई बंदा यहाँ पे कैंपिंग कर रहा है। देखो साफ से देखिए एक बात है यार, कौन कर पुश कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी कैंपिंग वैम्पिंग तो चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फैक्ट्री में थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तभी पीछे की तरफ से गाड़ी में दो बंदे जा रहे थे। मारने की ट्राई करता हूँ, ये दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब इन बंदों ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं। अब जैसे मैं इनसे फाइट लेता हूँ, इनका पहला वाला बंदा जिसने ओग वाले ने भाई वहीं से नोक एंड फिनिश कर दिया भाई, मेरे को ये बहुत खतरनाक लगा। उसके बाद उसके दूसरे टीममेट को मैंने मार दिया, उसके बाद हील वील किया मैंने। अब जैसे मैं कवर में जाता रहता हूँ, ये बंदे लोग उड़ के आ गए थे और मेरे को यहाँ पे नॉकआउट कर देते हैं, ठीक है। उसके थोड़ी देर के बाद मेरे को थोड़ा सा समझ में आ गया था कि ये बंदे लोग ना हैक वेक यूज कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास कि यार ये बंदे लोग क्या ही हैक यूज कर रहे हैं, यार आराम से लेजिट प्लेयर होंगे। लेकिन इसने प्रिंस भाई की भाई लोकेशन बिल्कुल भी किसी को पता नहीं थी, तो उनको भाई एक ही ग्रेनेड में फोड़ देते हैं, ठीक है। माइनस तो नहीं हुआ, ठीक ठाक प्लस हो गया, 8 प्लस हुए थे। लेकिन जब मैं इनको भाई इनकी केडी चेक करता हूँ, एक की केडी तो नॉर्मली थी, लेकिन दूसरे वाले की केडी देखो भाई साहब 10 की कुछ ही है। मैंने देखा चलो भाई हैकर वाइकर नहीं होंगे, क्योंकि यार 10 की केडी रखना भाई इजी नहीं है, हैकर ये। अब यहाँ पे एक बंदा रहता जिनके पास ये उड़कर आता, और ये 10 की केडी वाला क्या ही मारता उसको, देखो इसको सब पता रहता भाई बंदा है कहाँ पे, मतलब इसको क्या ही दिक्कत है यार, हैक वैक है, ESP है, एम बोट है, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। लेकिन बंदा यार थोड़ा नूबड़ा ही था, क्योंकि जो लेजिट प्लेयर होते हैं ना, वो कभी भी हैक यूज नहीं करते भाई, हैक की जरूरत उनको पड़ती है जिनको खेलना नहीं आता है। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले रिपोर्ट मार देते, क्योंकि हमारा मैच तो पूरा खराब कर दिया है। तो ऑटो एम स्पीड सारे पे अपन मारेंगे रिपोर्ट, और यहाँ पे कमेंट करेंगे नल्ला हैकर साला कमीना कहीं का, हमारा पूरा मैच खराब करके चला गया, और कितने लोगों का ये लोग मैच खराब करते हैं। इसको रिपोर्ट मारने के बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा मैच लगाते हैं, और वापस से कूदे थे यहीं पर। मैंने देखा चलो भाई इस वाले मैच में थोड़ा अच्छा से खेलेंगे, और जल्दी से जल्दी चिकन डिनर निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कूदते मेरे हाथ में गन लग चुकी थी, और प्रिंस भाई के ऊपर एक बंदा पुश कर रहा था, मतलब नीचे के तरफ ही रहता है। तो मैं बोलता हूँ चलो भाई अब बजा देते हैं, प्रिंस भाई ऊपर से आ जाते हैं, और मैं इधर से जाता हूँ, और इस बंदे को प्रिंस भाई एकदम नॉकआउट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको नॉक एंड फिनिश करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और सामने जिधर मैं मार्क कर रहा हूँ इधर दो बंदे रहते हैं। रुको, पीछे की तरफ से भी कोई बंदा आ गया, तो इसको पहले निपटा देते हैं। बोट भाई साहब आए, तो बोट भाई साहब को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केडी बढ़ेगी, किल होंगे तो प्लस होंगे ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे सामने की तरफ दो बंदे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो उड़न खटोला वाला है इसको यूज करके आगे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे भाई का 1v2 रहता, लेकिन प्रिंस भाई ने थोड़ा सा ले लिया यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, होता है यार टीममेट है तो चलता है ये सब। तो अब दोनों के दोनों बंदे पुश कर रहे थे, मैं बाइजन ही बहुत ज्यादा प्रीफर करता हूँ, तो एक को नो करता हूँ, दूसरे वाले को टन देता हूँ, जब तक प्रिंस भाई कूद जाते हैं और MG से दूसरे वाले को नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे इनको फिनिश करने के बाद इधर कोई बंदे बचते हैं नहीं, तो लूट वूट करते हैं हम लोग, और गाड़ी लेके सीधा अपार्टमेंट के साइड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक विक्टर वाला था जो यहाँ पे बहुत सारे बंदे मार रहा था, तो इनको हम लोग मारने के लिए जैसे हम लोग इस बिल्डिंग में आते हैं, ये बंदे के पास होता है उड़न खटोला, जिसका यूज करके ये आगे वाले बिल्डिंग पे चला जाता है। तो हमने देखा चलो भाई फटाफट से उस बिल्डिंग में जाके इसको बजाते हैं, लेकिन वो बंदा वहां से वो जो कैप्सूल वाली जो गाड़ी आती है उसको लेके ये रवाना हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा मारने की ट्राई भी करता हूँ इस बंदे को, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है, वो बंदा यहाँ से निकल लेता है। भाई जोनाथन जैसा स्प्रे थोड़ी है मेरा, लेकिन अगर लग जाता तो भाई क्या ही क्लिप बन जाता, ठीक है। अब नीचे की तरफ से जो गाड़ी आई थी, US वाला एक बंदा आया था, वो हमारे पे कर देता है पुश, तो चलो भाई अब उसको भी फटाफट से लोबी भेज देते हैं। बहुत तेजी में आ रहा था वो, तो प्रिंस भाई मार देते हैं, एक दो बुलेट पड़ती है MG को, वो निपट जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लूट वट करता रहता हूँ मैं, तभी यहाँ पे गाड़ी में दो बंदे आ जाते हैं डासिया में, जो आते ही प्रिंस भाई के हाथ से एक बंदा नॉक हो जाता है,
अब दूसरे वाले की बारी मेरी थी मारने की, वो अंदर की तरफ रहता है और देखो बंदा तो यार रिकोलिकोल होके आया था क्योंकि लेवल वन का ये सब कुछ था। उसके बाद बहुत देर के बाद इधर सर्वाइवल निकालने के बाद हम लोग गाड़ी लेते हैं जोन के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास से जोन कट चुका था और जिधर जोन था उस साइड में फाइट वाइट चल रही थी। तब ने देखा चलो भाई थोड़ा सा हाथ वाथ बटा लेते हैं क्योंकि यार अपन को थोड़ा बहुत किल विल चाहिए, तो थोड़ा सा डैमेज वेमेज करता हूँ मैं। उसके बाद मेरे पास स्कोप नहीं था क्योंकि यार तुम्हारा भाई एक बार मर वर चुका है, तो रिकॉल होने के बाद आया था तो स्कोप था नहीं। तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे रेड डोर से कैसे न कैसे करके एक बंदे को मैं नॉकआउट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मुझे पता था कि दूसरा वाला उसको रिवाइव करेगा, उसके बाद जो रिवाइव होगा उसको हील करने में टाइम लगेगा, तो यही मौका है पुश करने का। तो हम लोग यहाँ पे पुश कर देते हैं और ये बंदा अभी तक उसको रिवाइव नहीं किया था क्योंकि मैं बाइजन से उसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। अब डैमेज खाने के बाद वो पीछे जाके घास में लेट जाता है और बाइजन बहुत तेजी में रिलोड जैसी होता है चढ़ता हूँ और इसको खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ तक एकदम मैच एकदम सही जा रहा था लेकिन भाई जोन ने भाई हमारे पास से पलटी मार ली और जोन आगे की तरफ निकल लेता है। तो हम लोग इधर जोन में जाते हैं और एक बंदा रहता है जिसको प्रिंस भाई मारने की ट्राई करते हैं लेकिन वो बंदा उड़ के इस साइड में आ जाता है और यहाँ पे पता नहीं एक बंदा और घास में लेटा रहता है जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो ये इस साइड में आता है एक बंदा, अब इससे तुम्हारा भाई 1v1 लेता है और यही अब वेक्टर वाला था, इसको निपटा देता हूँ। लेकिन पीछे की तरफ से एक बंदा मेरे को नॉकआउट कर देता है, वो भी घास में लेटा लेटा। अब मेरे को पता चल गया था कि भाई ये मैच अब यहाँ पे एंड हो चुका क्योंकि मैं जोन के बाहर था और ये भी बंदा जोन के बाहर था। प्रिंस भाई आते इसको मारने के लिए, अब यहाँ पे अगर निपटा देते तो सही रहता लेकिन यहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका था और उस बंदे के हाथ में DBS होती है तो रिस्क लेना नहीं था। तो मैं प्रिंस भाई को बोला कि आप जोन के अंदर चले जाओ क्योंकि अपन इधर जोन में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ना कैसे रगड़ते रगड़ते सर्वाइवल लेते लेते मतलब घुटनों के बल, लेकिन जोन का डैमेज तो आप लोग को पता यार क्योंकि लास्ट जोन का डैमेज है बहुत तेज काटेगा। लास्ट जोन तो नहीं लेकिन हाँ छठा जोन था तो डैमेज तो बहुत ज्यादा था। तो मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ और जो ये बंदा रहता मेरे को साफ साफ दिख रहा था लेकिन प्रिंस भाई को वो बंदा नहीं दिख रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेड करने वालों का काम होता है यार सिर्फ एक्सपेक्टेड करना, तो एक्सपेक्टेड वाले को सब कुछ दिखता है। अब वहाँ पर वो बंदा निपट चुका था, बचे हुए थे कुल मिला के दो बंदे, मेरे को दूसरा वाला बंदा सामने दिख रहा था और जो पहला वाला बंदा रहता वो लेफ्ट की तरफ से उसी आके चिपका देता है। तो ये वाला मैच तो खराब हो गया यार, बहुत जल्दी मर गया था, तब भी बहुत अच्छे खासे प्लस मिले थे, 31 प्लस मिले थे। तो ये वाला हैशटैग 2 आया मैच, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को पीछे वाला बंदा नहीं मारता ना बाद में वो भी मर गया, लेकिन मेरे को तो निपटा के गया यार, और जो ना हमारे पे थोड़ा सा भी रहता ना तो मैं वहाँ पे बच सकता था। तो यही था आज से गेम पहले तुम्हारा भाई का यहाँ पे मैच इधर एंड हो गया था बहुत जल्दी, तो कैसे ना कैसे करके हैशटैग 2 निकाल लिया प्रिंस भाई ने। तो अच्छी बात है यार, अगर प्रिंस भाई थोड़ा सा अगर मैं जिंदा रहता तो चिकन भी हो सकता था। तो यही था आज का गेम पहले, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रैंकिंग की बात करते तो अभी रैंकिंग में भी नहीं आए हम लोग क्योंकि यार बहुत कम मैचेस खेल रहा हूँ दिन के, तो हैशटैग मतलब अभी 2% से बाहर ही हो तो अभी बहुत कम मैचेस खेल रहे हैं क्योंकि यार आज मुहर्रम का दिन है, मतलब आज 9वीं है कल 10वीं है तो इसी के कारण नहीं हो पा रहा है मैचेस। प्लस की बात करते तो बहुत कम प्लस किए थे कि 2 मैचेस खेले थे और ये कुछ 39 प्लस हुए थे। तो भाई यही था यार जो भी था 39 प्लस के, हम कल ट्राई करेंगे थोड़ा ज़्यादा प्लस करने की और चिकन डिनर निकालने की भी बहुत जल्दी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी कल शाम 7 बजे एक और न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और बूमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का चैनल का भी ध्यान रखो। लव यू, टेक केयर, शुड ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।